हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, विजिट वीजा से रिलेटेड एक नया और लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है, जो मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबके साथ शेयर करूंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा, ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने वर्क वीजा से रिलेटेड अपडेट बताया कि इस समय पे वर्क वीजा का यूएई के अंदर क्या अपडेट है। जो लोगों ने नहीं देखा है, वो लोग अगर उनको वर्क वीजा से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में विजिट वीजा की बात करते हैं कि दुबई का या यूएई का विजिट वीजा का क्या सिनेरियो है। तो जो लेटेस्ट अपडेट आता है, मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी जो अपडेट आ रहा है वो ये है कि कई लोगों का वीजा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है और उसमें टाइपिंग एरर आता है। आपके वीजा रिजेक्ट होने के बहुत सारे कारण आपके पास सामने आ जाते हैं। आप लोग खुद अप्लाई करते हैं या एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो उसमें रीजंस आ जाते हैं कि किस रीजन से आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट किया गया है। तो इस समय पे आपको मॉडिफिकेशन ऑप्शन भी मिलता है कि अगर आपका टाइपिंग मिस्टेक है या फिर डॉक्यूमेंटेशन मिस्टेक है, ये दोनों मिस्टेक अगर है कि आपने डॉक्यूमेंट सही से नहीं दिए हैं या फिर टाइपिंग एरर हो गई है, इस कारण से वीजा रिजेक्ट हुआ है, तो कुछ चार्जेस देके, वो लगभग 200-250 दिरहम की चार्जेस हैं। ये गवर्नमेंट की चार्जेस होती हैं 200 दिरहम, और फिर अगर आप खुद करते हैं तो उतनी ही फीस आपको पे करनी होती है। बाकी अगर आप एजेंट से कराते तो वो मे भी कुछ ज़्यादा 50-100 दिरहम एक्स्ट्रा ले सकता है। तो वहाँ पे जाके मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है, अगर आपकी ये दो कारण से रिजेक्ट होते हैं तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या आपका एजेंट उसको मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, ये दो हो गया। और भी कई कारण होते हैं कि मान लीजिए आपका वीज़ा आ भी जाता है, लेकिन आप जब ट्रैवल करने से पहले देखते हैं कि आपके पासपोर्ट पे जो है वो नाम की स्पेलिंग हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वीज़ा में अलग है स्पेलिंग्स वगैरह, और आपके पासपोर्ट में अलग है, तो आपको पता है कि अगर अलग अलग रहता है तो इमिग्रेशन में जाके आपको दिक्कत हो सकती है, इमिग्रेशन पे आपको रोका जा सकता है। तो अब आप क्या करेंगे? वीज़ा तो आपका आ गया है, ठीक है, सिंपल सा मिस्टेक, ए के जगह यू हो गया या यू के जगह ई हो गया, सर सिंपल सा मिस्टेक होता है, तो वीज़ा बहुत समय आ भी जाता है, रिजेक्ट नहीं होता है। आने के बाद भी ये ऑप्शन हो गया है कि आने के वीज़ा अगर आपका आ जाता है तो भी आप देखते हैं एरर है तो आपको जान लेना चाहिए, इमिग्रेशन में आपको रोका जाएगा। ठीक है, तो बेहतर है कि उसको मॉडिफिकेशन करवा के उसके बाद आए। तो बार बार ये ऑप्शन दिया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है वेबसाइट्स के ऊपर भी, कि आप लोग जो वीज़ा है उसको मॉडिफाई करवा के, सही से करवा के उसके बाद ही आइए। तो ये नए नए जो ऑप्शंस आ रहे हैं, इससे पहले क्या होता था कि वीज़ा गलत आ गया, रिजेक्ट आ गया, कोई हमारे पास कोई सिचुएशन ही नहीं होती थी, एजेंट्स भी नहीं करना चाहते थे। एजेंट्स के पास एक आध ऑप्शन होता भी था कि फिर से अप्लाई करने का, लेकिन उनके वो लोग करते नहीं थे। लेकिन अब खुद गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑप्शन आ गया है कि आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी एक मिनिमम फीस जो है वो आपको देनी होती है। तो गाइज, आई होप ये अपडेट आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।